organizing this event, what are you doing? See, this is a great platform for the talent and especially the makeup. Actually, they are both very important platforms. Like when you talk about makeup, life, they are made to suit. And one platform, they have a chance to showcase their talent. So I think it's a great thing. And she has associated cancer awareness related to this event as a model to show her talent. See, they are. I'm really glad that lot many campus is there to be launched, and it's been a great luck. Thank you. This should be organized by Daljeet Ji for cancer awareness or cancer to support the liye, because kya karenge is bare mein. I think Daljeet Ji is an amazing human being, and she always extends herself to support everyone who needs her. And I think it's an outstanding cause that she has chosen, cancer awareness in women, cervical cancer and breast cancer. And I think it is very needed. And as she rightly said, women generally ignore themselves. एक औरत अपने आस पास सबका ख्याल रख लेती है, लेकिन जब उसका अपना ख्याल रखना होता है तब वो हमेशा अपने दूसरों को ज़्यादा महत्व देती है. तो ऐसी अवेयरनेस आने से जरूर एक आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि मैं भी अपना चेकअप करवा लूँ. सो आई थिंक ये एक अमेजिंग कॉज है और बहुत ज़रूरतमंद कॉज है जिनको ये सपोर्ट कर रही है. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ हर इवेंट. It's always very encouraging to have something like this, and Daljeet is a good friend and she's carried the torch forward, which is very good, and I always appreciate being a part of something like this, and I hope this carries on and on, gets bigger and bigger every year. किस तरह का आपका ऑफिस का मिल रहा है? काफी सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, क्या करते हैं इस बारे में? Yes, काफी सारे लोग सपोर्ट करने आए हैं इस कॉज को, बिकॉज इन कॉज लगता है कि सब किसी के भी घर हो सकता है, बिकॉज बेटी वाइफ मतलब एनीबॉडी कैन हैव दिस. तो हमारा मकसद ये है कि हम अवेयर करें कि आप हर घर में हमारी बात हमने टेस्ट कैंसर कैसे होगी.
response because from all walks of life, Harik Jala Se Matlab, different organizations or even industrialist, and people have phoned from abroad and from Delhi and from all over the country. And so Nandiya Patli from all over the country, and amazing. So this was the Matlab Mother's Day, and my brother Kishun ki mujhe ye mauka mila aur aaj ke din mein kya bolu. मेरे ख्याल से मैं आगे से जमीन करके मुझे बुलाएगी इस ऐसे कॉज के लिए वैसे भी सब मेरे कॉज के लिए केयर करना चाहिए, जैसे खाने पीने का, रेगुलर एक्सरसाइज का,
कहते हैं कि आप नहीं चलोगे, आप नहीं करोगे तो दवाइयाँ चलेंगी, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी. तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी बॉडी का ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर वाटर लेना चाहिए, फूड खाना चाहिए. आजकल मशीनरी जिंदगी है, सब बहुत व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, हाफ दौर है, और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं. फिर बाद में जब कोई प्रॉब्लम आता है उनको तो याद आता है शेट हमने ऐसा क्यों किया. तो हम पछताने से अच्छा है कि पहले अगर अपने ऊपर होमवर्क किया जाए, वर्कआउट किया जाए, तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी. थैंक यू सो मच. कैंसर के लिए पहले तो शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? शो के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया गया और इस तरह के इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं. लेकिन ये एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि ये कैंसर पीड़ित लोगों के लिए सरकार ने जैसे टाइफाइड, चेचक और पोलियो के लिए काम किया, वो कैंसर के लिए भी चला. और ये बहुत अच्छी बात है कि एक टाइम आएगा जब कैंसर का भी रेशियो बहुत कम हो जाएगा. बात यहाँ पर यह है कि हमारी विल पावर कैसी है. अगर विल पावर स्ट्रांग है तो कैंसर पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं. इवन जब बिना पैरों वाले दौड़ सकते हैं और बिना एक आंख वाले निशाना लगा सकते हैं, तो कैंसर से भी लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है. ऐसे एग्जाम्पल जैसे अभी नाम बोल के गई है, तो काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस है, ये नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों ने कैंसर से निजात पाया है अपनी विल पावर के. तो गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है कि बच्चों को आज से 20 साल तक के बच्चों को, जो भी बच्चे नवजात पैदा होंगे, उनको ऐसे टीकाकरण में ऐड किया जाएगा जैसा चेचक, पोलियो, टाइफाइड के साथ में कैंसर का भी टीका लगेगा, जिससे आगे ये संभावनाएं ना हो. इसके लिए मैं बहुत, मेरा जहाँ से भी सहयोग हो सकेगा, जैसा भी मैं समर्थ हूँ, मैं करना चाहूँगी. और इससे ज़्यादा क्या हूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है. तो धन्य है हमारी सरकार, धन्य है हमारा देश, और थैंक यू सो मच. थैंक यू. अली सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? मिस्टर मिसेस आईवा 2019 हो रहा है, ग्रैंड फिनाले है यहाँ पे, और आप एज ए गेस्ट आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी इंटायर टीम को? मिस्टर मिसेस अवार्ड जो होने जा रहा है, मैं उसके लिए मेरी मुबारकबाद देना चाहूँगा इस संस्था के लोगों. दोनों को सभी को धन्यवाद देना चाहिए. एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अच्छा मुझे सीखने को मिलता. और मान लो कि अवार्ड इस साल मिल रहा है, मुबारकबाद है, कि नहीं मिल रहा है, अगले साल की तैयारी कर रही. और इससे जो फंड आएगा वो कैंसर पीड़ित को जाएगा, ये बड़ी खुशी की बात है. और यही वजह है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट होने आए. और यानी जितने भी लोग हैं संस्था के, उन्होंने इन्वाइट किया, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. अच्छे काम के लिए हम सब अली सर, कितना ज़रूरी होता है आज के डेट में इस तरीके का कार्यक्रम काम करना, और लोगों को जो इससे कैंसर पीड़ित हैं उनको थोड़ी सी मदद पहुँचाना, तो कितना? देखिए, थोड़ी सी मदद पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात होती है. हम तो हर महीने एक से दो दिन जाते हैं टाटा हॉस्पिटल. वहाँ जो का जो माहौल है, जो मैं देखता हूँ, ये बहुत बुरी हालत है. अगर जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जिनका वसीला नहीं है, बेचारे लोग बच्चों के इलाज के लिए आज टेस्ट होता है और फिर बोलते हैं कि आप 10 दिन के बाद आओ. तो ऐसी NGO जब उनकी मदद करती है तो ऐसा लगता है कि सोने में सुहागा हो गया. और यही वजह है कि मैं एक संस्था से बहुत जुड़ गया हूँ, उसमें ट्रस्टी हूँ. और जो नीडी होते हैं, जो मेरे पास अप्रोच करते हैं, मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ. और बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा हम लोग हेल्प करते हैं और करते रहेंगे. ओके, शुक्रिया. आप क्या कहना चाहोगे इस शो को लेके, इंटायर टीम को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सुफियान कपाड़िया आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ. और जो आज ये शो हो रहा है, बेसिकली जैसा पापा ने कहा, बिल्कुल इससे बड़ा कोई कॉज नहीं हो सकता कि इससे जो भी फंड ये रेज करेंगे वो सारे कैंसर पीड़ित लोगों के हेल्प में जाएगा. तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा नेक काम है, खुदा से जुड़ने वाला काम है, और जिसकी हर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और हम जो भी हो सकता है हम करते हैं, जिस किसी भी फंक्शन में जा करके, या अगर किसी को पापा डेफिनेटली मैं हमेशा देखता हूँ कि हर किसी की हेल्प करना है, तो पापा बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट देते हैं. एंड वी डेफिनेटली मेक श्योर दैट हम जिस तरीके से भी हो सके किसी की भी हेल्प कर सकें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
और जैसा कि इस शो की बात करूं तो इस शो के सारे ऑर्गेनाइजर्स को, स्पॉन्सर्स को और इस शो से जुड़े हुए हर किसी व्यक्ति को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे शो वो ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसे शो आगे भी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आईबार 2019 हो रहा है और आप इसमें एज ए जूरी आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो को लेकर और क्या दलजीत जी को क्या शुभकामनाएं हुई, एंटायर टीम को क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? जी, दलजीत जी को सलाम करना चाहूँगी कि वो एक सोशल मुद्दे को ऐसी पैकेजिंग देती हैं जो एक फेस्टिव सा इवेंट बन जाता है, खुशी का पैगाम बन जाता है और ग्लैमर पोर्शन भी आ जाता है और उसमें वो कोई सेंसिटिव मुद्दा साथ में उठाती है। जैसे आज उन्होंने कैंसर सेंसिटाइजेशन, कैंसर अवेयरनेस उठाया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कैसे कैंसर के लिए प्रिवेंशन ना सिर्फ पहला टेस्ट जल्दी करवाना है बल्कि प्रिवेंशन इज़ इन द वे यू लिव योर लाइफ, इन हाउ कैन यू ब्रिंग जॉय इन टू योर लाइफ। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, दुखद घड़ियाँ आती हैं और वो कहीं हमें चोट पहुँचा देती है और वही चोट बाद में घाव बनकर कोई बीमारी का रूप ले लेती है। कैंसर क्या, अब WHO सब ने स्वीकार किया है कि मनोस्थिति ही मेन कारण है बीमारी का। तो कैंसर बहुत सा ये पाया गया है, लुईस हे कि आप फाइंडिंग पढ़ें, यू कैन हील योर लाइफ, तो उन्होंने बताया है कि कैसे रिजेंटमेंट से इमोशनल हर्ट की, जब आपने किसी के साथ अच्छा किया हो और आपके साथ कोई बुरा कर दे, वो रिजेंटमेंट से कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो हम केमिकल्स अपने खाने में डाल रहे हैं, जहर आमंत्रण कर रहे हैं अपने खाने में, अपने शरीर के अंदर, वो हमें बंद करना होगा। कविता जी, कितना जरूरी है समाज में इस तरीके का अवेयरनेस पैदा करना? जी, अवेयरनेस तो अब दस्तक दे रही है, ज़रूरत दस्तक दे रही है। जो हमने सोचा था कि बहुत रेयरिटी है, वो अब हम देख रहे हैं कैसे ग्लैमर वर्ल्ड के भी अच्छे अच्छे यंग एक्टर्स इफेक्टेड हो रहे हैं और कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि एलोपैथी में उसकी मेडिसिन ही इतनी हार्ड है कि वो अपने में ही आपकी शक्ति हीन कर देती है आपको वो मेडिसिन। लेकिन कुछ लोगों में जीने का मुद्दा इतना स्ट्रांग होता है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो सेंस ऑफ जॉय जीने का, यानी वो कहते हैं ना हर पल प्रेजेंट मोमेंट। और कविता जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज तक वो दलजीत कौर थी, आज से डॉक्टरेट दलजीत कौर हो गई, कितनी खुशी आपको हो रही, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इसके लिए खुशी के अलावा मुझे बहुत संतुष्टि है कि हमारे एजुकेशनिस्ट पहचान रहे हैं कि जो लोग सामाजिक मुद्दों को उठा के उन पर कुछ संवेदनशीलता समाज में देना चाह रहे हैं, सल्यूशंस की तरफ काम करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ उनकी विकृत भावों को प्रकट करें बल्कि उसे सल्यूशन क्या निकल सकती है उसकी तरफ वो ध्यान देना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हमें हमारी एजुकेशन संस्थाओं को अलग करना चाहिए। जो किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है वो एजुकेशनल संस्था। जी जी, मैम आपको कितनी खुशी हो रही है कि बहुत करीब आप उनके हैं दलजीत जी को, आज से उनको डॉक्टर दलजीत कौर कहा जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड? जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा, मैं शुभ मल्होत्रा, मैं उनकी ना बहुत पुरानी दोस्त और इनका जो पहला शो इन्होंने किया था उसमें भी मुझे आमंत्रित किया था और उन्होंने एक दूसरे को हम इंस्पायर करते हैं, बिकॉज मेरा अपना श्रीवास्तव फाउंडेशन NGO है और जिसमें हम महिलाओं को यही अवेयरनेस के बारे में बताते हैं और मैं सिर्फ बॉम्बे नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में जाती हूँ रूरल एरियाज़ में, और ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है इस और इनको डॉक्टरेट की जो पदवी मिली है बहुत ही डिजर्विंग है और दोस्त होने के नाते आज इतनी खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकती हूँ।
आई विश हर ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये एक कैंसर ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में औरतों को वो कहने का मौका नहीं मिलता, एक शर्मिंदगी होती है। ब्रेस्ट कैंसर ले लो, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये मैंने किया था सिंटा में भी, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। आई हैड डन दिस, ये एक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर टाटा मेमोरियल से 2017 में। एंड आप मानोगे नहीं कि जो टर्नआउट था सिंटा में, सिंटा की ऑफिस में किया था, तब पंकज जी वहाँ के सेक्रेटरी थे, तो इट वॉज सब ने, आदित्य पंचोली जी आए थे, सारे जो फ्रेटर्निटी जरीना बहाब जी, सारों ने बहुत सराहाया, कहा कि आप जैसी महिलाएं ये चीज़ लेके आती है, अवेयरनेस लेके आती है, बिकॉज हम महिलाएं एक दूसरे को आगे लेके और क्रिएशन के अवेयरनेस क्रिएट कर सकते। क्या अब हम माने की अगली मुलाकात हमारी, आप भी डॉक्टरेट हो? ओके, यस यस श्योर। मुझे वैसे ही वर्ल्ड पीस काउंसिल ऑफ अमेरिका का हिंदुस्तान से चुना गया है, और ज़रूरी है कि हमें ये टाइटल जो इतने अच्छे नेक काम करते हैं, तो जाहिर है वो मिलता है, तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम और करें। सो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमें सराहती है और रिकग्नाइज करती है, इट विल बी एन ऑनर। रेणुका जी, आप सबने तो इन्होंने सबने बता दिया, अब आपके पास क्या बचा है, बताइए। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि फैशन की दुनिया से लेकर अगर हम एक सामाजिक कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, दलजीत ने वो कदम उठाया है, अब कोई भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पहली बात, जो 24 कंटेस्टेंट्स हैं, आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रूमिंग है, उनकी एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, सोच विचार पर बदलाव लाने का मैंने थोड़ा प्रयास किया है, तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी 24 पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल रीजन्स ऑफ इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायपुर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पटियाला। इन लोगों से मिलना, और आज ये कॉमरेड्स हैं, दलजीत के सैनिक हैं, जो पूरी सेना के साथ हर क्षेत्र में जाएगी सर्विक्स कैंसर के प्रति, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एंड मोलेस्टेशन के प्रति, अपनी जो कुछ इन्होंने इस 5 दिनों में सीखा है, दे आर गोइंग टू पास ऑन द मैसेज। तो कॉमरेड की सेना शुरू हो गई है। सो इट इज़ जस्ट नॉट अ फैशन शो, बट इट इज़ अ फैशन शो विद अ बिग डिफरेंस, क्योंकि ये परसेप्शन को, सोच को बदल रहा है। मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ, प्रोफेसर रेणुका वांगर, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि नामांकित लोग जैसे कल्याणी ललिता, आई ओनली नो यू एज दैट, सर्फ एक्सेल की ललिता, एंड वी हैव शुभ, ये सारे इतने महत्वाकांक्षी एंड वेरी एंटरप्राइज से Empowered women दलजीत के साथ जुड़े हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर हियर फॉर अ कॉज, नॉट जस्ट सर्वाइकल कैंसर, रेप विक्टिम्स एंड सो मेनी सोशल कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो दलजीत डिजर्व्स टू गेट द ऑनर ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज नाउ शी इज गोइंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट दिस कॉमरेडशिप। एंड एज वुमेन, नारी शक्ति जो कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बदलाव आया है, हम नारी शक्ति बाहर निकल गए, और हमारे घर वाले भी हमें प्रोत्साहन करते हैं। तो लाइक शी सेड, फ्रॉम द फैशन टू द, यू नो कहते हैं, फ्रॉम द किचन टू द रैंप, हमने फ्रॉम द किचन टू द रैंप औरतों को लेके आए हैं, और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हर एक शहर में जाके, ये हमारे लिए बहुत अच्छी शक्ति है। एंड वी आर रियली थैंकफुल दलजीत ने हमें हमेशा, वो हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ हमेशा होती है। सो वी आर एन आर्मी ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच। कविता जी, चलते चलते कुछ ऐड करना चाहेंगे? यही कि कैंसर अवेयरनेस के साथ एक और मुद्दा जुड़ा है, वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि जितना हम ऑक्सीजन धरती में बढ़ाएंगे और जो है हमारे सोर्सेज, उनकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उतना हेल्दी होंगे, उतना कैंसर फ्री होंगे, क्योंकि कहते हैं जहाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर के सेल्स नहीं रह सकते, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इससे बहुत जुड़ा है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेखा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर एंड मिसेस आईवा 2019 हुआ यहाँ पे, साथ में एक अवेयरनेस भी कार्यक्रम यहाँ पे भी चलाया जा रहा है फॉर द कैंसर पेशेंट के लिए?
कितना सराहनीय काम है, कितना जरूरी है अवेयरनेस इस प्रकार का लाना, और इंटायर टीम आईवा को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आईवा जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ब्यूटी पैटर्न आजकल बहुत हो रहे हैं और डेफिनेटली आजकल बहुत से पैटर्न कॉस्ट को डेडिकेट करते हैं और आईवा ने डेडिकेट किया है कैंसर के लिए, तो मैं खुश हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर हम ऐसे पैटर्न अवेयरनेस करते हैं किसी के लिए या सपोर्ट करते हैं किसी कॉस्ट के लिए, सोशल कॉस्ट के लिए, तो वो एक अच्छा सा मैसेज देता है और मतलब एक टीम जनरेट करता है कि इस तरह से सोशल कॉज सोसाइटी में लेके आगे बढ़े। कैंसर के लिए मैं कहूँगी क्योंकि कैंसर में अगर आपको बताऊँ तो टाटा कंपनी में बकायदा मैंने 25 साल एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट नौकरी की है, फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है, तो मैंने 25 साल कैंसर पेशेंट्स को इतने करीब से देखा हुआ है। मैं रिसर्च में थी लेकिन हमारे पेशेंट से काफ़ी कुछ हमारे सैंपल पास आते थे, हमारा इंट्रैक्शन था, सोशल वर्क था। तो कैंसर एक्चुअली क्या है मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अब नौकरी की है, मैंने फील किया, इसके अलावा मेरे पापा गए कैंसर से, तो उसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं गाँव की कि वहाँ पर अवेयरनेस ले जाएँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे शहर में भी ये कमी है। अगर हम किसी से कहते हैं कि आपको गांठ आ रही, बार बार बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, इट कैन बी बैड, इग्नोर किया जाता है और फिर पता चलता है कि कैंसर है कई बार और वो हमें एडवांस ट्रीट चलता है। तो कैंसर प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो एडवांस ट्रीट प्राप्त होता है, लेकिन अवेयरनेस हो जल्दी पता चले इस बीमारी के बारे में तो डेफिनेटली ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी कि आईवा ने कैंसर का कॉज लिया है एंड आई सपोर्ट। ओके रेखा जी, एक और यहाँ पे कार्यक्रम हुआ जिसमें लोगों को सम्मानित किया गया डॉक्टरेट के उपाधि से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इशू को लेकर? एक्चुअली ये मिक्स प्रोग्राम था, पता ही था मुझे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैं डॉक्टर मधुकृष्ण जी को देखा जो यूएस से है, मैं उनको जानती हूँ क्योंकि मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ और मैं कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एम्बेसडर हूँ, तो पीस के लिए काफ़ी काम करते हैं हम। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ पर देखा मैंने, और जिससे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इन्होंने 20-30 साल जिन्होंने काम किया है क्षेत्र में, फिर लोगों के प्रोफाइल लेके एनालाइज किया है, फिर दिया है, तो इनकी सिस्टम सही है। अगर जो इंसान अपने फील्ड में काम कर रहा है तो उसको इस तरह से सराहना, डॉक्टरेट अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम है। लेकिन सिर्फ ये कहूँगी कि मैं जो इंसान या जो एनजीओ है या जो व्यक्ति एक्चुअली काम करता है उनको अगर एक डिग्री दे तो एक सही मैसेज पहुँचता है, बाकी अगर हम हर एक को बांटेंगे तो सही मैसेज नहीं पहुँचेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये किया गया है सिस्टमेटिकली, तो मुझे कहा गया है हिसाब से, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मुझे को जानती हूँ मैं, मुझे जानती हूँ, तो वो टीम आई नो नॉट ओनली इंटरनेशनली इंटरनेशनल। हाँ रेखा जी, आखिरी सवाल चलते चलते बिटिया कुछ ऑनलाइन ब्यूटी प्रेजेंट जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं कहूँ अभी आज ही जो ऑनलाइन प्रेजेंट था कितिका थी यूपीसी, वो आज उसका क्राउनिंग था, तो मैं वाशी से क्राउनिंग हुआ, वहाँ पे उसका और एक प्रेजेंट था कैटवॉक दीवा का और आई एम वेरी हैप्पी कि वो प्रेजेंट जीती है, क्राउनिंग दो क्राउनिंग उसके हुए हैं, शशि बंदा प्रेजेंट जुटे और मैं वो करके फिर भाग कर यहाँ पर आई। रेखा जी, आखिरी सवाल चलते चलते नवरात्रि आ रहा है, अपने अपने दर्शकों को खास करके तिवारी फैमिली की ओर से जी 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 डेफिनेट नवरात्रि है, ये एक ऐसा त्यौहार है जब माता की पूजा करते हैं हम, बहुत कुछ होता है घर में माहौल, एक रिलीजियस माहौल होता है, इसके अलावा बाहर भी जब होता है एक इंजॉयमेंट होता है, एक सेलिब्रेशन होता है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की एज रेखा गॉड ऑल्सो एंड एज वाइफ ऑफ तिवारी जी, जो आपके भाभी जी घर पर रहेंगे, आपके फेवरेट पॉपुलर कैरेक्टर जो एक्टर हैं आप लोगों के, उनकी तरफ से भी और पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इन्जॉय कीजिए डांडिया के लिए।